आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम अपने किसी भी फोल्डर में खुद का फोटो कैसे लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी फोल्डर में हम अपना खुद का फोटो या फिर इमेज कैसे लगाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं अवध ग्लोब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किसी भी फोल्डर पर इमेज लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम अपने लैपटॉप या फिर स्क्रीन में राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको सबसे ऊपर फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा नया फोल्डर बनके रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ माई फोल्डर। यहाँ पे माई फोल्डर लिखने के बाद उसके बाद जैसे इंटर करूंगा तो ये हमारा फोल्डर बनके रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा एक नया ब्लैंक फोल्डर बनके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमको इसके ऊपर खुद का इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हमको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर उस इमेज के फाइल को ओपन करना होगा जिस भी इमेज को हमको इस फोल्डर के ऊपर लगाना है। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर के अंदर उस फाइल को ओपन कर लेंगे जिस भी फाइल में हमारा वो इमेज पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हमने अपने फाइल को ओपन कर लिया है। हम इस इमेज को, आंख वाले इमेज को, अपने फोल्डर के ऊपर लगाएंगे। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओपन विथ के ऊपर क्लिक करेंगे। ओपन विथ पे आने के बाद यहाँ पे पेंट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब था कि हमने अपने फोटो को पेंट प्रोग्राम में ओपन किया है। तो पेंट में ओपन होने के बाद अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहें तो कुछ एरिया को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ही लगा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको इतना सिलेक्ट करके अपने फोल्डर के ऊपर लगाना चाहते हैं। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देना होगा। ये हमारा इमेज क्रॉप हो जाएगा। अब दोस्तों, आप यहाँ पे रिसाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। रिसाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिक्सल पे आएंगे, उसके बाद इस टिक को हटा देना होगा। अब यहाँ पे जो भी पिक्सल आपको ऊपर वाले बॉक्स में दिख रहा होगा उस पिक्सल को आप यहाँ पे भी कर देंगे। ऊपर वाले बॉक्स में 243 पिक्सल है, अब हम यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में भी 243 पिक्सल लिख देंगे। तो इतना करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करते ही हमारा इमेज का जो पिक्सल है वो चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज पे आएंगे। सेव एज पे करने के बाद अब यहाँ पे आप इसको कुछ नाम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आइकन इमेज दे देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आइकन इमेज लिखने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एज टाइप के ऊपर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर सेव एज टाइप में आना है, उसके बाद यहाँ पे 24 bit map, तो यहाँ पे 24 bit map के ऊपर क्लिक करके उसके बाद सेव कर देंगे। अब दोस्तों, हमारा जो इमेज है वो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो चुका है। तो दोस्तों, हमने इस इमेज को डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया था। अब हमको अपने फोल्डर के ऊपर आना है, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेंज आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। चेंज आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आइकन फाइल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, आपने जो इमेज को क्रॉप किया था यहाँ पे आपको अपने डेस्कटॉप के ऊपर दिख जाएगा। अब यहाँ पे आइकन इमेज आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओपन कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ओके सेलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपके फोल्डर के ऊपर कुछ भी नहीं लगा है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके फोल्डर के ऊपर वो इमेज लग के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फोल्डर के ऊपर इमेज लग चुका है। अब यहाँ पे हम ओके कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपके फोल्डर के ऊपर इमेज बहुत ही आसानी से लग गया है। अब अपने हिसाब से जो भी इमेज लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।